ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। 8वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। स्वयं वह मनु कर्दमा मुनि के कुटिया में पहुंचे हैं और उनको काफी पहले कर्दमा मुनि ने उनको महिमा मंडित किया और फिर उन्होंने किया। अब वो असली बात पर अब आ रहे हैं कि कर्दमा मुनि को तो पता था, फिर भी उन्होंने कहा कि ये तो सब ठीक है, आप ऐसे भ्रमण करते हैं, लेकिन आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? जो भी है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। ये पहले बोल दिया, क्योंकि कर्दमा मुनि को तो सब पता है, स्वयं मनु को नहीं पता। स भवान् दुहित्रे स्नेह परिकृष्ट आत्मनो मम श्रोतुम अर्हसि दीनस्य सावितं कृपया मुने। मेरे साथ पढ़िए। स भवान् दुहित्रे स्नेह परिकृष्ट आत्मनो मम श्रोतुम अर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने। शब्दार्थ है सह आप भवान आप दुहित स्नेह अपनी पुत्री के स्नेह बस परिक्लिष्ट आत्मना क्षुब्ध मन वाला मम मेरा श्रोतम सुनने के लिए अर्हसि प्रसन्न हूँ। दीनस्य मुझ दीन की लड़की का पिता है ऐसे बात करता है। श्रावितम प्रार्थना को कृपया कृपा पूर्वक मुने हे मुनि। अभी भी हमारे यहाँ ये प्रथा है, लड़की का बाप लड़की के ससुराल वालों को बहुत सम्मान देता है। हे मुनि कृपा पूर्वक मुझ दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्र के स्नेह से अत्यंत उद्विग्न है। मेरे साथ पढ़िए। हे मुनि हे मुनि हे मुनि कृपा पूर्वक कृपा पूर्वक मुझ दीन की प्रार्थना सुने, मुझ दीन की प्रार्थना सुने, सुने। क्योंकि मेरा मन क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्र के स्नेह से अत्यंत उद्विग्न है। अपनी पुत्र के स्नेह से अत्यंत उद्विग्न है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जब कोई शिष्य अपने गुरु से कोई संदेश प्राप्त करके उसे निष्ठापूर्वक संपन्न कर लेता है तो उसे अधिकार है कि वह अपने गुरु के से चाहे किसी प्रकार के अनुग्रह के लिए याचना करे। सामान्य रूप से भगवान का शुद्ध भक्त अथवा प्रामाणिक गुरु का शुद्ध शिष्य भगवान या गुरु से कोई अनुग्रह की याचना नहीं करता, किंतु यदि कभी गुरु से किसी प्रकार का अनुग्रह प्राप्त करने की आवश्यकता आ पड़े तो जब तक वह उन्हें पूर्णतया प्रसन्न न कर ले तब तक उसकी याचना नहीं कर सकता। स्वयंभू मनु अपनी पुत्री के स्नेह के कारण अपने मन की बात प्रकट करना चाह रहे थे कि वे कौन सा काम करना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कौन सा काम कराना चाहते हैं। ये अक्सर होता है कि गुरु से शिष्य, यहाँ तो गुरु शिष्य की बात नहीं हो रही है, लेकिन गुरु से
आप तब तक नहीं प्रश्न करें जब तक वह प्रसन्न न हो, क्योंकि सेवा करके हमने पढ़ा है ना ये भगवत गीता में, तद विधि प्रणिपाते न परि प्रश्न न सेवया उपदेश संकते ज्ञान ज्ञान न तत्व दर्शन। तो पहले वो खुश हो, सेवा करो और जब वो ठीक मुद्रा में हो तब अपना प्रश्न आपको पूछे, क्योंकि प्रश्न का उत्तर वही दे सकते हैं। तत्व ज्ञान उन्होंने किया है, भगवत दर्शन किया है उन्होंने, तो वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अपने पुत्री के स्नेह के कारण उनसे याचना कर रहे हैं कि मेरी बात सुनिए। फिर कह रहे हैं स्वयं मनु प्रिय प्रिव्रत उत्तान पादो स्वसेयम दुहिता मम अन्विच्छति पतिम युक्तम वयःशील गुणादिभिः गुणादिभिः। शब्दार्थ मेरे साथ पढ़िए, प्रिय व्रत उत्तान पादो स्वसेयम दुहिता मम अनिच्छति पतिम युक्तम क्यों क्यों बता रहे हैं प्रिय व्रत उत्तानपाद की बहन है, क्योंकि वो लड़के दोनों स्वयं मनु पे इतने अच्छे हैं, इतने प्रतिभाशाली हैं, इतने अच्छे गुण वाले हैं और बहुत जबरदस्त सम्राट दोनों, इसलिए उनका नाम दे रहे कि उनकी बहन है। इतने सुशील अगर वो हैं, उनकी बहन भी ऐसी होगी। इस वजह से शब्दार्थ है प्रियव्रत उत्तान पादो, प्रियव्रत तथा उत्तान पाद की स्वसा बहन इयम यह दुहिता पुत्री मम मेरी अन्विच्छति खोज रही है पतिम पति या वर युक्तम अनुकूल वयः शील गुण आदि भी आयु चरित्र गुण आदि से गुणवान पति को ढूंढ रही है। मेरी पुत्री प्रियव्रत तथा उत्तान पाद की बहन है, वह आयु शील गुण आदि में अपने अनुकूल पति की तलाश में है। मेरे साथ पढ़िए, मेरी पुत्री प्रियव्रत तथा उत्तान पाद की बहन है, वह आयु शील गुण आदि में अपने अनुकूल अपने अनुकूल पति की तलाश में है। पति की तलाश, हाँ, क्योंकि वो इन चीजों में महान है। आयु तो खैर जो है उसकी वो बात अलग है, शील बहुत शीलवान है, बहुत गुणवान है, तो वैसे ही पति को की तलाश में है। तात्पर्य हरे कृष्ण पूनम त्यागी माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी नाम श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा स्वयंभु मनु की युवा पुत्री देवभूति का चरित्र उत्तम था और वह योग्य भी थी, अतः वह अपनी आयु शील तथा गुण के अनुकूल पति की खोज में थी। मनु द्वारा अपनी पुत्री को प्रिय वर तथा उत्तान पाद इन दो महान राजाओं की बहन के रूप में परिचित कराने का उद्देश्य था कि मुनि को शाश्वत करना कि कन्या उच्च कुल की है, वह उनकी पुत्री है और साथ ही क्षत्रियों की बहन है, वह निम्न वर्ग की नहीं है। अतः मनु ने कंदर्प को उपयुक्त समझकर उसे अपनी पुत्री को सौंप देना चाहा। यह स्पष्ट है कि यद्यपि देवहूति आयु तथा गुणों में व्यस्त थी किंतु वह स्वतः पति का चुनाव करने के लिए वहां नहीं गई। उसने अपनी आयु शील तथा गुण के अनुकूल उपयुक्त पति की इच्छा के लिए इच्छा व्यक्त की और पिता ने स्नेहवश उनके लिए ऐसा पति ढूंढने का भार अपने पर ले लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब किसको उसने किसने बताया उसको देवहूति को कि तेरे लायक वर जो है वो कर्दमा है। कर्दमा में किसने बताया? नारद ने। नारद पहुंच जाते सब जगह।
यदा तो भवतः शील शुतरूप वयो गुणान् अश्रणोद अश्रणोद नारदात एषा त्वयि आसीद कृत निश्चया। मेरे साथ पढ़िए। यदा तो भवतः शील शुतरूप शुतरूप वयो गुणान् अश्रणोत नारदात एषा त्वयि आसीत् कृत निश्चया। हाँ देखो, नारदात नारद ने बताया तब वो त्वयि आसीत् कृत निश्चया कि अपने दिमाग में तुमको बैठा चुकी है, ये कह रहे शब्दार्थ। यदा जब तू लेकिन भवतः तुम्हारा शील उत्तम चरित्र शुद्ध विद्या खूब सुंदर आकार सूरत वयः युवावस्था गुणान गुण अश्रुणोत सुना नारदात नारद मुनि से ऐसा देवभूति ने त्वयि तुम में आसीद हो गई कृत निश्चया दृढ़ संकल्प। जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र विद्या रूप वय आय तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। मेरे साथ पढ़िए। जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र विद्या रूप यानी आयु तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, देवहूति ने न तो स्वतः श्री कदर्म मुनि को देखा था और न उसे उनके शील या गुण के विषय में कोई व्यक्तिगत अनुभव था, क्योंकि ऐसा कोई सामाजिक समागम न था जिससे उसे ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकती। किंतु उसने श्री नारद मुनि से श्री कदर्म मुनि के संबंध में सुन रखा था। किसी परम ज्ञानी से सुनना व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से कहीं श्रेष्ठ है। उसने श्री नारद मुनि से सुना था कि श्री कदर्म मुनि अपने उसके पति होने के योग्य हैं। अतः उसने मन में निश्चय कर लिया था कि वह उन्हीं से विवाह करेगी। उसने अपने पिता के समक्ष अपना मंतव्य प्रकट किया जिन्होंने उसे लाकर यहाँ उपस्थित किया। हरे कृष्ण। और आपको तो पता है, वो तो भगवान की महिमा है। भगवान चाहते हैं, भगवान ने खुद कदर्म मुनि को सब पता है क्योंकि भगवान खुद आगे गए। आपको हमको पता है लेकिन स्वयं वो मनु और शत्रुपा और देवभूति को नहीं पता है। एक बात तत्प्रति द्विज अक्षय माम सदयो प्रहृता मया सर्वात्मना अनुरूपां ते ग्रहमे दिशु कर्मसु। मेरे साथ पढ़िए। तत्प्रतीच्छा द्विज अक्षय इमाम तत्प्रतीच्छा द्विज अक्षय इमाम श्रद्धयो अपहृतां मया सर्वात्मा अनुरूपां ते कृपया स्वीकार करें द्विज अक्षय हे ब्राह्मण श्रेष्ठ इमाम इसको श्रद्धा श्रद्धा से उपहृताम भेंट स्वरूप प्रदत्त मया मेरे द्वारा सर्व आत्मना सब प्रकार से अनुरूपाम उपयुक्त ते तुम्हारे लिए ग्रह मेदिशु गृहस्थी में कर्मसु कर्म कर्तव्य। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आप इसे स्वीकार करें क्योंकि मैं इसे श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर रहा हूं। यह सभी प्रकार से आपकी पत्नी होने और आपकी गृहस्थी के कार्यों को चलाने में सर्वथा योग्य है। मेरे साथ पढ़िए। अतः हे ब्राह्मण अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ
आप इसे स्वीकार करें, आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि मैं इसे श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर रहा हूँ। यह सभी प्रकार से, ये सभी प्रकार से आपकी पत्नी होने, आपकी पत्नी होने और आपकी गृहस्थी के कार्य को चलाने में सर्वथा योग्य है, सर्वथा योग्य है। तात्पर्य हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, शील प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य गृह मेधेशु कर्मसु शब्दों का अर्थ है गृहस्थोचित कार्यों में। यहाँ एक अन्य शब्द भी प्रयुक्त हुआ है सर्वात्मनानुरूपाम। इसका सारांश यह है कि पत्नी को आयु चरित्र तथा गुणों में न केवल पति के समान होना चाहिए किंतु गृहस्थी के कार्यों में भी सहायक होना चाहिए। मनुष्य का गृहस्थोचित कार्य केवल इंद्रिय तृप्ति ही नहीं वरन पत्नी संतानों के साथ रहते हुए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना है। जो ऐसा नहीं करता वो गृहस्थ नहीं वरन गृह मेधी है। संस्कृत साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त मिलते हैं, एक है गृहस्थ और दूसरा है गृहस्थ गृह मेधी है। गृहस्थ एक आश्रम भी है क्योंकि यदि कोई गृहस्थ होकर केवल इंद्रियों की तुष्ट करता है तो वह गृह मेधी है। गृह मेधी के लिए पत्नी बनाने का अर्थ इंद्रियों की तुष्ट करना है किंतु गृहस्थ के लिए योग्य पत्नी आध्यात्मिक कार्यों में उन्नत के लिए सब प्रकार से सहायक के रूप में होती है। पत्नी का कर्तव्य है कि वो गृहस्थी के सारे कार्यों को संभाले न कि पति से स्पर्धा करे। पत्नी सहायता करने के निमित्त होती है किंतु वो अपने पति की तब तक सहायता नहीं कर सकती जब तक वो आयुशील तथा गुण में उसके समान ना हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये एक चीज इसमें लगता है कि पति ही तपस्या करता है, पत्नी मदद करती है, लेकिन उसका फल पत्नी को भी मिलता है। पति अगर तपस्या करता है पत्नी को पूरा उसका हिस्सा मिलता है जो आध्यात्मिक प्रगति पति करता है। कर्दमा मुनि तपस्वी हैं, तो इसका मतलब अभी हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे आप क्या असर, क्या छाप पड़ती है देवभूति के ऊपर। अभी तो देवभूति को ये पता नहीं है, अभी तो देवभूति खाली ग्रस्त में आ रही है, तो अभी ये बहुत सुंदर ये आख्यान चल रहा है, बहुत सुंदर। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः पुनः। मेरे साथ उद्यतस्य हि कामस्य, उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते, प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य, अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः, कामरक्तस्य किं पुनः। उद्यतस्य स्वयं प्राप्त ही निसंदेह कामस्य भौतिक इच्छा का प्रतिवाद निराधर न नहीं शस्यते प्रसंगशनी अपि यद्यपि निर्मुक्त स्वतंत्र संगस्य आसक्ति का काम इंद्र सुख के प्रति रक्तस्य आसक्त का किं पुनः, क्या कहना। स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट का निरादर नितांत विरक्त पुरुष के लिए भी प्रशंसनीय नहीं है, फिर विषयाशक्ति के लिए तो कहना ही क्या है। बड़ा अच्छा लिखा है, मेरे साथ पढ़े। स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट का, स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट का निरादर, निरादर नितांत विरक्त पुरुष के लिए भी प्रशंसनीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, फिर विषयाशक्त के लिए तो कहना ही क्या है, फिर विषयाशक्त के लिए तो क्या है। हाँ, अगर कोई विरक्त है संसार से, उसको भी कोई भेंट अगर स्वतः मिल रही है तो उसको उसका निरादर नहीं करना चाहिए, ये मतलब है। और यहाँ तो वो उसको भेंट कर रहे हैं कर्दमा मुनि को, और कर्दमा मुनि शादी करना चाहते हैं, इस वजह से ये कहा गया। ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये बहुत अच्छा है हमारे सीख के लिए कि आपको कभी अगर स्वतः कोई भेंट प्राप्त होती है
तो उसका कभी निरादर नहीं करना चाहिए। निरादर का मतलब कोई आपको बहुत इच्छा से देना चाहता है तो निरादर नहीं करना चाहिए, जबकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। विरक्त का मतलब आपको उसकी जरूरत नहीं, लेकिन जब आपको जरूरत है फिर तो कहना ही क्या है। मेरे साथ पढ़िए, मैं पढ़ लिया हमने। हाँ प्रभु जी पढ़ ली। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा भौतिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति चाहता है, अतः यदि किसी को बिना प्रयास के ही इंद्रिय तृप्ति हो रही हो तो उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। कर्दम मुनि इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बने थे तो भी वे विवाह करना चाहते थे और उन्होंने उपयुक्त पत्नी के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। ये स्वयंभू मनु को ज्ञात था। उन्होंने कर्दम मुनि को परोक्ष रूप में ये आश्वस्त किया, आपको मेरी पुत्री जैसी पत्नी चाहिए और वह आपके समक्ष है। आपको अपनी प्रार्थना की पूर्ति को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, मेरी पुत्री को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अस्वीकार नहीं करना चाहिए, ये गलत आ गया माता जी, धन्यवाद, आपने उसको ठीक कर दिया। ये एक्चुअली कर्दम मुनि को, ये स्वयंभू मनु को ये नहीं पता था कि ये जो आपको हमको पता, ये नहीं पता। क्या पता था? कि कर्दम मुनि ने विवाह नहीं करने का प्रण नहीं लिया, इसलिए वो विवाह करना चाहते हैं, ये उनको पता था। और उनको ऐसे ही लड़की चाहिए जैसे मेरी बेटी, ये भी पता था। इसके अलावा जो स्टोरी हमको पता, आपको पता है, और कर्दम मुनि को पता है, वो उनको नहीं पता था। ये तो उसने उनको, मेरी पुत्री को स्वीकार करना चाहिए, अस्वीकार नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं स्वयंभू मनु। 13वां श्लोक है। स उद्यत मनादृत्य कीनासम अभियाचते क्षीयते तद्यसह स्फीतम मानश्चा अवज्ञया हतः। मेरे साथ पढ़िए। उद्यतम अनादृत्य कीनासम अभियाचते क्षीयते तद्यसह स्फीतम मानश्चा अवज्ञया हतः। शब्दार्थ है यह जो उद्यतम भेंट अनादर करके कीनासम कंजूस से अभियाचते याचना करता है, जीते नष्ट होता है, तत् उसका यश कीर्ति स्मृतम विस्तीर्ण मान सम्मान च तथा अवज्ञा अवमानना से अतः नष्ट। ये फिर बड़ा अच्छा बोला। जो स्वतः प्राप्त भेंट का पहले अनादर करता है और बाद में कंजूस से वर मांगता है, कंजूस होकर, ये कंजूस से है ना, कंजूस, ये ट्रांसलेशन गूगल के ट्रांसलेशन किए ना लोगों ने, तो ये बाद में कंजूस होकर वर मांगता है, मतलब चाहिए मुझे, कंजूस कहता ना ऐसा, वह अपने विस्तीर्ण यश को खो देता है, ये स्वयंभू मनु बता रहे हैं, और अन्य के द्वारा अवमानना से उसका मान भंग होता है। बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ पढ़िए। जो स्वतः प्राप्त भेंट का पहले अनादर करता है और बाद में कंजूसों की तरह वर मांगता है, वह अपने विस्तीर्ण यश को खो देता है और अन्य द्वारा अवमानना से उसका मान भंग होता है। हरे कृष्णा। हरे माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा वैदिक विवाहों की सामान्य विधि में पिता अपनी कन्या उपयुक्त वर को सुपुर्द करता है।
यही अत्यंत सम्मानीय विवाह है। बर्कोन्ना के पिता के यहाँ जाकर विवाह की याचना करने नहीं जाना चाहिए, इससे उसके सम्मान की धक्का लगता है। मुनि उपयुक्त कन्या से विवाह करना चाहते थे और शाम्भु मनु से कर्दम मुनि को आश्वस्त कर देना चाहते थे, मैं आपको ऐसा ही पत्नी दे रहा हूँ, उसे अस्वीकार ना करे, अन्यथा आपकी किसी अन्य से याचना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता है और हो सकता है कि वो आपके साथ भद्र व्यवहार भी ना भी करे, तब आपका मान भंग हो सकता है। इस घटना की दूसरी विशेषता यह है कि शंभु मनु सम्राट होकर भी अपनी योग्य कन्या एक निर्धन ब्राह्मण को भेंट करने गए थे। श्री कर्दम मुनि के पास कोई आर्थिक संपत्ति न थी, वे जंगल में कुटी बनाकर रहे थे, किंतु ये सुसंस्कृत थे, अतः किसी व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करते समय संपत्ति या अन्य सांसारिक बातों पर ध्यान न देकर संस्कृति तथा गुण को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। हरे कृष्ण। अच्छा, गुणवान है, जैसे अभी भी गुणवान है और उसमें योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, तो वो लड़का अच्छा ही करेगा, ये है। लेकिन माँ बाप अस्वस्थ होना चाहते हैं कि बेटी को तकलीफ ना हो, इसलिए वो देखते हैं कि उसके पास कुछ है नहीं है, इनके पास तो कुछ भी नहीं, कुटी में रहते हैं। भौतिक दृष्टि से कर्दमा मुनि के पास कुछ भी नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो महान योगी हैं, महान ऋषि हैं। दो चीज है, तो ये भी आप देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि उसके पिता ये गलत कर रहे हैं, एक राजकुमारी महलों में रहने वाली कुटिया में आई तो बेटी को तकलीफ तो होगी, माँ बाप ये नहीं देख रहे हैं तो। लेकिन देखो, ये बड़ा बहुत ही सुंदर वर्णन है। अहम त्वा अश्रवम विद्वन् विवाह अर्थ समुद्यतम अतः त्वं उपकुर्वाणः प्रताम प्रतिग्रहाण मे। मेरे साथ पढ़े, अहम त्वा अश्रवम विद्वन् विवाह अर्थ समुद्यतम अतः स्वं उपकुर्वाणः प्रताम प्रतिग्रहाण मे। शब्दार्थ है अहम, मैंने, त्वा तुमको, अश्रवम सुना, विद्वन हे बुद्धिमान पुरुष, विवाह अर्थम विवाह हेतु, समुद्यतम तैयार, अतः अतए त्वं तुम उपकुर्वाणः आजीवन ब्रह्म चरिका व्रत न लेने के कारण, इसलिए माया आप आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, ऐसा आपने व्रत नहीं लिया अभी, प्रताम भेंट किया गया, प्रतिग्रहण कृपया स्वीकार कीजिए मैं मेरा। स्वयं मनु ने फिर कहा, हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप ब्याह के इच्छुक हैं, कृपया मेरे द्वारा दान में दी जाने वाली अर्पित मेरी कन्या को स्वीकार करें, क्योंकि आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा है, इसलिए हो गए भी हैं। मेरे साथ पढ़िए, स्वयंभू मनु ने कहा, स्वयंभू मनु ने कहा, हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप ब्याह के इच्छुक हैं, कृपया मेरे द्वारा दान में दी जाने वाली कन्या को स्वीकार करें, क्योंकि आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा है, क्योंकि आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा है। तात्पर्य, हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, श्री प्रपात की जय। श्री प्रपात द्वारा तात्पर्य, कुंवारा रहना ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है, ब्रह्मचारी मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? आ रही है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, कुंवारा रहना ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं, एक तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए रहता है, और दूसरा उपकुर्वाण ब्रह्मचारी जो एक निश्चित आयु तक ब्रह्मचारी रहता है। उदाहरणार्थ कोई 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर अपने गुरु की आज्ञा से विवाहित जीवन में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन है और आध्यात्मिक आश्रम में प्रवेश करने का शुभारंभ है। केवल गृहस्थ ही इंद्रिय तुष्टि या विषय भोग में लिप्त रह सकता ब्रह्मचारी नहीं। स्वयंभुव मनु ने कर्दम मुनि से अपनी कन्या को स्वीकार करने के लिए इसीलिए प्रार्थना की क्योंकि कर्दम ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा था। वे विवाह करने के इच्छुक थे और उन्हें राज परिवार की योग्य कन्या मिल रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसलिए वो कह रहे हैं। अब कर्दम मुनि बोल रहे हैं। ऋषिर उवाच बाढ़म बाढ़म उड्योढु कामो कामो अहम अप्रता च तवा तव आत्मजा आवयोर अनुरूपो असाव 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 भी पढ़ सकते हैं। आद्यो वैवाहिको विधि मेरे साथ ऋषि उवाच वाडम उड्डोडु कामो अहम अप्रता च तव आत्मजा आवयोर अनुरूपो वसाव आद्यो वैवाहिको विधि शब्दात् ऋषि परम साधु कर्दम ने उवाच कहा वाडम एवमस्तु उड्डोडु कामः विवाह का इच्छुक अहम मैं अप्रता अन्य किसी से वचनबद्ध न होना च तथा तब तुम्हारी आत्मजा पुत्री आवयो हम दोनों का अनुरूप उपयुक्त असौज्ञ आद्य प्रथम वैवाहिक विवाह का विधि अनुष्ठान। महामुनि ने उत्तर दिया निसंदेह मैं विवाह का इच्छुक हूँ और आपकी कन्या ने न किसी से विवाह किया है और न ही किसी दूसरे को वचन दिया है, अतः वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों का विवाह हो सकता है। मेरे साथ पढ़िए। महामुनि ने उत्तर दिया निसंदेह मैं विवाह का इच्छुक हूँ और आपकी कन्या ने न किसी से विवाह किया है और न ही किसी दूसरे को वचन दिया है, अतः वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों का विवाह हो सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। स्वयं मनु की कन्या को स्वीकार करने के पूर्व कर्दम मुनि के साथ विचारणीय बातें अनेक थी। प्रथम तो यह है कि देवभूति ने उन्हीं के साथ विवाह करने का निश्चय कर रखा था। वह अन्य किसी को अपना पति बनाना नहीं चाह रही थी। यह सबसे बड़ी विचारणीय बात थी क्योंकि जब कोई स्त्री प्रथम दर्शन पर ही किसी पुरुष को अपना मन अर्पित कर देती है तो उसे वापस लेना कठिन होता है। यही स्त्रियों का मनोविज्ञान है। साथ ही इसके पूर्व उसका विवाह भी नहीं हुआ था, वह कुंवारी थी। इन सब बातों से कर्दम मुनि ने उसे स्वीकार कर लिया। अतः उन्होंने कहा हाँ, विवाह के धार्मिक नियमों के अनुसार मुझे आपकी कन्या स्वीकार है। विवाह के भी कई प्रकार हैं। उत्तम विवाह वह है जिसमें उपयुक्त वर को बुलाकर कन्या को वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित करके तथा पिता की सामर्थ्य के अनुसार दहेज देकर कन्या अर्पित की जाती है। विवाह के अन्य प्रकार भी हैं यथा गंधर्व विवाह तथा प्रेम विवाह। इन्हें भी विवाह माना जाता है। यदि कोई कन्या बलपूर्वक हरी जाकर बाद में पत्नी रूप में स्वीकार कर ली जाती है तो उसे भी विवाह मानते हैं। किंतु कर्दम मुनि ने विवाह की उत्तम प्रणाली स्वीकार की क्योंकि कन्या का पिता चाह रहा था और वह कन्या भी योग्य थी। उसने किसी अन्य के साथ प्रेम नहीं किया था। इन सब बातों से कर्दम मुनि को स्वयं
स्वयं भूव मनु की कन्या को ग्रहण करने के लिए राजी हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कर्दमुनि ने कहा ये जो बताए वैदिक सिद्धांत के अनुसार न तो उसने विवाह किया है और न उसने किसी को वचन दिया विवाह के लिए, तो इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों की शादी हो सकती है। अब क्या कहते हैं, कामः स भूया नर देवतेश्या पुत्र्या समाम्ना य विधो प्रतीतः क एव ते तनया न आद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपतिम एव श्रियम्। मेरे साथ पढ़िए, काम स भूया नर देवतेश्या काम स भूया नर देवतेश्या पुत्र्या समाम्ना य विधो प्रतीतः शब्दार्थ है काम इच्छा स वह भूयात् पुरी हो नरदेव हे राजा ते तुम्हारी अस्या इस पुत्र्या पुत्री का समामनाय विधौ विधोक्त विधि से प्रतीतः मान्य कह कौन एव निसंदेह ते तुम्हारी तनिया पुत्री को न आद्रियेत आदर नहीं करेगा। कौन आदर नहीं करेगा? स्वया अपने से एव अकेले कांत्या देह की कांति आभा शरीर की आभा क्षिपतिम तिरस्कृत करती है किसको? मानो स्वयं आभूषण। अगर इतनी सुंदर है लड़की या स्त्री, आभूषण पहनने की क्या जरूरत है? आभूषण दिखते ही नहीं है उसमें अगर शरीर इतना सुंदर हो तो। आप अपनी पुत्री की वेदों द्वारा स्वीकृत विवाह इच्छा की पूर्ति करें, उसको कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा? वह इतनी सुंदर है कि उसकी शारीरिक क्रांति शारीरिक कांति ही उसके आभूषणों की सुंदरता को मात कर रही है। आभूषण जो है उनकी खिल्ली उड़ रही है, इतने सुंदर है ये बात कह रहे। मेरे साथ पढ़िए, आप अपनी पुत्री की वेदों द्वारा स्वीकृत विवाह इच्छा की पूर्ति करें, विवाह इच्छा की पूर्ति करें, उसको कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा? उसको कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा? वह इतनी सुंदर है कि उसकी शारीरिक कांति ही उसके आभूषणों की सुंदरता को मात कर रही है, उसके आभूषणों की सुंदरता को मात कर रही है। तात्पर्य हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कर्दम मुनि देवहूति के साथ शास्त्रोक्त विधि से विवाह करना चाहते थे। वेदोक्त विधि के अनुसार सर्वोत्तम विधि यह है कि दुल्हन के घर दूल्हे को आमंत्रित करके कन्यादान किया जाए और साथ में आभूषण स्वर्ण साज सामान तथा अन्य गृहस्थी की वस्तुएं दहेज रूप में दी जाएं। आज भी उच्च वर्ग के हिंदुओं में ब्याह का यह रूप प्रचलित है और शास्त्रों में इसे कन्या के पिता के लिए अत्यंत धार्मिक कृत्य कहा गया है। उपयुक्त दामाद को अपनी पुत्री का दान करना यानी कन्या दान करना गृहस्थ का पुण्य कार्य माना जाता है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, किंतु इनमें से अब केवल एक ही विवाह विधि ब्रह्म या राजसिक विवाह प्रचलित है। इस कलयुग में अन्य प्रकार के विवाह यथा प्रेम द्वारा जयमाला द्वारा अपहरण द्वारा विवाह वर्जित है। पहले क्षत्रिय अपने इच्छा अनुसार दूसरे राज परिवार की राजकुमारी का अपहरण करते थे, फिर उस क्षत्रिय तथा कन्या के परिवार वालों के बीच युद्ध होता था और यदि अपहरणकर्ता विजयी होता था तो उसे कन्या दे दी जाती थी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने इसी विधि से रुक्मिणी को ब्याहा था और उनके कुछ पुत्रों तथा पौत्रों ने भी ऐसा ही किया था। श्री कृष्ण के पौत्र ने दुर्योधन की कन्या का अपहरण किया जिससे कौरवों तथा यादवों में युद्ध हुआ। बाद में कौरव वंश के गुरुजनों ने समझौता करा दिया।
प्राचीन काल में ऐसे विवाह प्रचलित थे, किंतु आज के समय में क्षत्रिय जीवन के कठोर नियमों में विघटन हो जाने से ऐसा होना दुष्कर है। क्योंकि भारत विदेशों पर आश्रित रहने लगा, फलतः उसकी सामाजिक व्यवस्था छिन्न हो गई और शास्त्रों के अनुसार अब सभी लोग शूद्र हैं। तथा कथित ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों ने अपने पारंपरिक कृत्यों का परित्याग कर दिया है, फलतः वे शूद्र बन चुके हैं। शास्त्रों का कथन है, कलाओ शूद्र संभव, इस कली काल में सभी शूद्र के समान हैं। इस युग में सनातन सामाजिक रीति रिवाजों का पालन नहीं किया जा रहा है, यद्यपि पिछले समय में उनका कड़ाई से पालन होता था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ये कर्दवा मुनि तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि शास्त्र विधि से, वेदों की जो विधि है उससे आप तैयार करें, तो वो तैयार है। अब क्या कहते हैं, अभी कर्दवा मुनि फिर बोल रहे हैं, याम भर्म पृष्ठे क्वणत अंग्रि शोभा विलोक संभोह विमूढ चेता। मेरे साथ पढ़िए, याम हर्म पृष्ठे क्वणत अंग्रि शोभाम, विश्वावसु न्यपतत पर चला गया विमान, विलोक संभोह विमूढ चेता। शब्दार्थ है याम, जिसको हर में पृष्ठे राज प्रसाद की प्रसाद कहते हैं, याम जिसको हर में पृष्ठे, प्रभु एक मिनट शांत हो जाइए, हर में पृष्ठे राज प्रसाद की छत पर क्वणत अंग्रि शोभाम, उनके चरणों के नुपुरों की ध्वनि से जिसकी सुंदरता बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई थी, ब्रिकेड तेम खेलती हुई कंदुक विवल अक्षिम, मोहित नेत्रों से अपनी गेंद का पीछा करती। लड़कियां गेंद खेलती थी, मतलब बॉल को नीचे मारा, फिर उसको ऊपर आया, फिर दबाया, ऐसे उसके ऐसे करती थी। वो उसको देवहूति को ऐसा करते हुए देखा, किसने, विश्वावसु, विश्वावसु गंधर्व थे, नपतत गिर पड़ा, स्वात स्वतः विमानात विमान से, विलोक देखकर सम्मो विमूढ चेता, जिसका मन सम्मोहित था। वो इतनी सुंदर लड़की को, हालांकि विमान में था, उसने देखा ये गेंद से खेल रही थी अपने छत पर, महल के छत पर, तो वो इतना मोहित हो गया, गिर पड़ा अपने प्लेन से। कर्दवा मुनि कह रहे, मैंने सुना है कि आपकी कन्या को महल की छत पर गेंद खेलते हुए देखकर महान गंधर्व विवावसु मोह बस अपने विमान से गिर पड़ा, क्योंकि वह अपने नुपुरों की ध्वनि तथा चंचल नेत्रों के कारण अत्यंत सुंदर लग रही थी। मेरे साथ पढ़िए, मैंने सुना है कि आपकी कन्या को महल की छत पर गेंद खेलते हुए देखकर महान गंधर्व मोहवश अपने विमान से गिर पड़ा, क्योंकि वह अपने नुपुरों की ध्वनि तथा चंचल नेत्रों के कारण
अत्यंत सुंदर लग रही थी, अत्यंत सुंदरी लग रही थी। कर्दमा मुनि बता रहे हैं स्वयं भगवान को तात्पर्य। हरे कृष्ण वर्षा माता जी, हरे कृष्ण वर्षा माता जी, माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा अरुणी माता जी, अरुणी देवी दास माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। बढ़िया। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल की तरह उस समय भी गगनचुंबी भवन होते थे। यहाँ पर हरमे पृष्ठ शब्द आया है। हरमे का अर्थ है अत्यंत विशाल महल। स्वाद विमाना का अर्थ है अपने विमान से। इससे लगता है कि उन दिनों में भी व्यक्तिगत विमान या हेलीकॉप्टर होते थे। आकाश में उड़ते हुए गंधर्व विश्वावसु ने देवभूति को अपने महल की छत पर गेंद खेलते देखा। उस काल में गेंद खेलना भी प्रचलित था, किंतु राज परिवारों की लड़कियां सार्वजनिक स्थान में नहीं खेलती थी। गेंद खेलना तथा अन्य आमोद प्रमोद के आदेश सामान्य स्त्रियों तथा लड़कियों के लिए नहीं थे। ऐसे खेल केवल देवहूति जैसी राजकुमारियां ही खेल सकती थी। यहाँ यह बताया गया है कि उड़ते विमान से उसे देखा गया। इससे सूचित होता है कि वह महल बहुत ऊंचा था, अन्यथा वह विमान से कैसे देखी जा सकती थी। यह दृश्य इतना स्पष्ट था कि गंधर्व विश्वावसु उसकी सुंदरता को देखकर तथा उसके नुपुरों की ध्वनि सुनकर सुंदरता एवं ध्वनि से इतना आकर्षित हुआ कि मोहग्रस्त होकर गिर पड़ा। श्री कर्दम मुनि ने इस घटना को जिस रूप में सुन रखा था उसका वर्णन कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सुना था उसके बारे में। ताम प्रार्थयन्ति ललना ललालम अवेशित श्री चरण चरण दृष्ट्याम वत्सा मनोर उच्च पद स्वसारम को न अनुमंतेन बुधो अभियाताम। मेरे साथ पढ़िए। ताम प्रार्थयन्तीम ललना दलालम, ताम प्रार्थयन्तीम ललना दलालम अवे अव पर चला गया है। अवे से चरण चरण दृष्ट्याम मनोरुच पद स्वसारम कौन अनुमन्येत उद्धव अभियाता शब्दार्थ है ताम उसको प्रार्थयन्तीम पहुंचते हुए ललना ललालम स्त्रियों के आभूषण अवेशित श्री चरण जिन्होंने लक्ष्मी के चरणों की पूजा नहीं की उनके द्वारा अदृष्टाम न देखी गई वत्साम लाडली लड़की पुत्री को मनो स्वयं व मनु की उच्च पद उत्तान पाद की स्वसारम बहन कह क्या न अनुमन्येत आदर नहीं करेगा बुधः बुद्धिमान अभियाताम स्वेच्छा से आई है लड़की। इतनी तो अब कर्दमा मुनि फिर बोले, पहले तो उन्होंने उसकी सुंदरता की बात की, अब क्या कह रहे हैं। ऐसा कौन है जो स्त्रियों में शिरोमणि स्वयं व मनु की पत्नी और उत्तान पाद की बहन का समादर नहीं करेगा। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा नहीं की है उन्हें तो इसका दर्शन तक नहीं हो सकता, फिर भी यह स्वेच्छा से मेरी अर्थांगिनी बनने आई है तो मैं क्यों मना करूंगा। ये मतलब है। मेरे साथ पढ़िए। ऐसा कौन है
ऐसा कौन है जो स्त्रियों में शिरोमणि स्वयं मनु की पुत्री और उत्तानपाद की बहन का और सम आदर नहीं करेगा जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा नहीं की है उन्हें तो इसका दर्शन तक नहीं हो सकता फिर भी यह स्वेच्छा से मेरी अर्थांगिनी बनने आई है उनका मतलब था कि प्रश्न मना करने का तो प्रश्न ही नहीं होता ये मतलब हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी हरे कृष्णा सभी को और श्रील प्रभुपाद जी की जय श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य कंदर्व मुनि ने देवहूति की सुंदरता तथा पात्रता की कई प्रकार से प्रशंसा की है वस्तुतः देवहूति आभूषणों से भूषित कन्याओं की शिरोमणि थी यद्यपि आभूषण पहनकर कन्या सुंदर बन जाती है किंतु देवहूति आभूषणों से भी अधिक सुंदर थी वह अलंकृत सुंदरी कन्याओं की शिरोमणि थी देवता या गंधर्व उसकी सुंदरता से आकृष्ट होते थे कंदर्व मुनि यद्यपि परम साधु थे वे स्वर्ग के वासी न थे किंतु पिछले श्लोक में बताया गया है कि विश्वावसु स्वर्ग का वासी होकर भी देवहूति की सुंदरता पर मोहित था अपनी सुंदरता के साथ ही साथ वह सम्राट स्वयंभू की पुत्री और राजा उत्तानपाद की बहन थी भला ऐसी सुंदरी का पाणी ग्रहण करने से कौन इनकार करेगा हरे कृष्णा ये कौन इनकार करेगा ये बता रहे हैं ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार देश जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे